तो यार वेलकम बैक टू रेसल रिपोर्टर। मैं हूं आपका रिपोर्टर प्रिंस और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सुपरस्टार्स के बारे में जो रेसलमेनिया में बन सकते हैं चैंपियंस, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उनका चैंपियन बनना ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। तो फिर आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे चार सुपरस्टार्स के बारे में बताऊंगा जो कि रेसलमेनिया में चैंपियनशिप जीत सकते हैं। तो फिर चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वुमेन्स रॉयल रंबल मैच विनर आस्का। अब ये मुझे बताने की जरूरत भी है क्या? आस्का की स्ट्रिक की वजह से सबको पहले से ही पता रहता है कि उनके मैच का रिजल्ट क्या होगा। देखो मैं आस्का को हेट नहीं करता हूँ, बट उनकी स्ट्रिक मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैच देखने में मजा कहाँ से आएगा अगर आपको रिजल्ट पहले से ही पता होगा। गोल्डबर्ग का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया है, अब पता नहीं WWE क्या साबित करना चाहती है, पर लगता तो यही है कि इनकी स्ट्रिक बहुत आगे तक जाने वाली है। वैसे अभी तक ये नहीं पता चला है कि आस्का रेसलमेनिया में स्मैकडाउन की चैंपियन को फेस करेंगी या फिर रॉ की चैंपियन को, बट वो इन दोनों में से किसी को भी फेस करेंगी चांसेस यही है कि वो चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि वैसे भी शार्लेट चैंपियनशिप जीतने के बाद कुछ उखाड़ पाई नहीं है और एलेक्सा ब्लिस इतने लंबे टाइम से चैंपियन है कि लोग बोर हो गए हैं। तो ये लगभग कन्फर्म ही है कि आस्का रेसलमेनिया में चैंपियन बनेंगी। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में जो मैच होने वाला है उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आप भी जरूर होंगे। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि मिस को यहाँ पर चैंपियनशिप हार जानी चाहिए, क्योंकि द मिस ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ काफ़ी मजा उठा लिया है। अब यहाँ पर बचते हैं सेथ रॉलिंस और फिन बैलर। तो फिर कुछ लोगों का यहाँ पर ये कहना होगा कि सेथ रॉलिंस को चैंपियन बनना चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना होगा कि फिन बैलर को बनना चाहिए। पर यहाँ पर फिन बैलर के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें फिन बैलर डीमन कैरेक्टर में लड़ते हुए दिखाई देंगे। अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ है, पर हो सकता है आने वाले टाइम में ये कन्फर्म हो जाए। और वैसे भी अगर यहाँ पर सेथ रॉलिंस की हार होती है तो फिर उन पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, पर अगर यहाँ पर फिन बैलर हार जाते हैं तो फिर उन्हें WWE ने अभी तक जितना भी पुश दिया है वो सब पानी में मिल जाएगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि WWE ऐसा कुछ चाहेगी कि हो, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि WWE का भी यहाँ पे यही प्लान होगा कि फिन बैलर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बना दिया जाए। मेंस रॉयल रंबल मैच विनर शिंस्के नाकामुरा। पहले तो अगर आप शिंस्के नाकामुरा जैसे रेसलर्स को कम समझते हो तो मेरी मानो आप प्रो रेसलिंग देखना छोड़ ही दो। हमेशा से ही WWE में ऐसे सुपरस्टार्स को कम मौके दिए गए हैं, पर जब उन्हें मौका मिला है तो उन्होंने इसका अच्छा खासा यूज़ किया है और यही काम शिंस्के नाकामुरा भी करेंगे। रेसलमेनिया में उनके चैंपियन बनने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि वैसे भी रूमर्स ये हैं कि AJ Styles रेसलमेनिया के बाद मंडे नाइट रॉ में चले जाएंगे। अब वो मंडे नाइट रॉ में जाएंगे तो वहाँ पर वो WWE चैंपियनशिप तो लेकर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी यूनिवर्सल चैंपियनशिप है। और अगर WWE ये प्लान कर रही है कि रेसलमेनिया के बाद भी AJ Styles को स्मैकडाउन लाइव में ही रखेंगे, तो फिर भैया इससे बुरा डिसीजन और कुछ नहीं हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि WWE ऐसा कुछ करेगी, और अगर WWE ऐसा कुछ नहीं करती है तो फिर AJ Styles चले जाएंगे रॉ में और शिंस्के नाकामुरा बन जाएंगे न्यू WWE चैंपियन। रोमन रेंस और यूनिवर्सल चैंपियनशिप, ये दोनों अभी भले ही अलग अलग हों पर जल्द ही ये दोनों एक होने वाले हैं, और उसके बाद WWE के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस होंगे। मैच सेट है, प्लान सेट है, अब सिर्फ देर है इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने की। आप ये लिख कर रख सकते हो कि रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे ही। रहने तो यार लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी ये होने ही वाला है, क्योंकि वैसे भी रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया के बाद WWE से चले जाएंगे, और मान लो वो नहीं भी जाते हैं तो भी कौन नहीं होगा जो ब्रॉक लेसनर को एज ए यूनिवर्सल चैंपियन देख देख कर पक गया होगा। इवन देखने की भी बात छोड़ो, वो तो दिखाई भी नहीं देते। और कहीं ना कहीं रोमन रेंस के हेटर्स भी यही सोच रहे होंगे कि अगर रोमन रेंस जीत जाते हैं तो कम से कम यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेगुलर तो दिखाई देने लगेगी। आफ्टर ऑल आप आंख बंद करके ये कह सकते हो कि रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले हैं। तो यार ये थी आज की वीडियो, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।